हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूँ देवपाल और आज की इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से कैसे बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, कई बार बहुत सारा इशूज हो जाता है अकाउंट से रिलेटेड, या फिर अगर हम कोई ऑर्डर बुक किए हैं तो उससे रिलेटेड, तो ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से कैसे बात करें। तो ऐसे में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से कैसे बात करेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो अब गाइज, आपको फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात करने के लिए फ्रेंड, आप सबसे पहले अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे। अब जैसे फ्रेंड आपका फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाता है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन नहीं अपडेट है तो आप सबसे पहले अपना एप्लीकेशन अपडेट कर लेंगे। तो अब गाइज, आपको फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए आपको अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अकाउंट वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो फ्लिपकार्ट अकाउंट होगा वो यहाँ से ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब गाइज, यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात करने के लिए आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे ले जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको सबसे नीचे ले जाना है इस पेज को। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन मिलेगा हेल्प सेंटर का, तो आप यहाँ हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हेल्प सेंटर पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 24/7 का जो कस्टमर सपोर्ट हेल्प पेज होगा वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो अभी गाइज आपको जो है इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे ले जाना है, और अब जैसे आप यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देख लिखा हुआ है आई वॉन्ट हेल्प विथ अदर इशूज, तो आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन चूज करना है आपको। अब जैसे ही आप वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारा इशूज आपको दिखाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अदर्स का, तो आप यहाँ अदर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो कि सबसे नीचे यहाँ पे है। अब आप अदर्स वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लिखा हुआ है व्हाट इशू आर यू फेसिंग, तो आप यहाँ अदर्स के सामने यहाँ पर आपको एक एरो टाइप का शो होगा आइकन, तो आप यहाँ इस आइकन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ अदर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा कॉन्टेक्ट अस का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिक्वेस्ट ए कॉल, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिस्पांस टाइम विद इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पे गाइस जिसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से कॉल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो विद इन 5 मिनट्स में आपके पास फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आएगा। उसके बाद आपकी जो भी समस्या होगी आप उनको बताएंगे, उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम होगा विद इन 1 आवर में सॉल्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे गाइस मैं नहीं क्लिक करूँगा क्योंकि मैं आपको बता रहा था और यहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं है। तो गाइस इस तरह से आप बहुत इजीली फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।